गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्यू का टॉपिक क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के बारे में समझाएंगे। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट से आपको क्या समझ में आया, मतलब एनवायरनमेंट को किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करके रखते हैं। भूज्वाइन पहली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। भूज्वर पहली ने ये देखा है कि जो स्कूल का गार्डनर है, जो स्कूल का माली है, वो क्या करता है, जो मैन्योर बनाता है, क्या बनाता है, वो मैन्योर बनाता है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स। उनके फ्रेंड्स के साथ वो क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, वेजिटेबल के प्लांट के जो वेस्ट पार्ट रहते हैं, उसको क्या करते हैं, वो कलेक्ट कर रखते हैं। दे पुट देम इन अ पिट मिंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये क्या करते हैं, उनको काय में रखते हैं, एक पिट मतलब खड्डे में, और उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम, कुछ सम टाइम में इट डिस्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ समय में क्या होता है कि वो क्या होता है, डिस्पोज मतलब ख़त्म हो जाते हैं, और किस में बदल जाते हैं, वो मैन्योर में, खाद में। भूजो एंड पहली वॉन्टेड टू नो हाउ हैड दिस हैपन। अब भूजो और पहली ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। एक्टिविटी 2.5। अब एक्टिविटी 2.5 क्या कहती है, टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आपको दो पॉट लेना है और दोनों पॉट को आधा आधा क्या करना है, सॉइल मतलब मिट्टी से भर कर रखना है। मेक देम ए एंड बी, और उसको ए और बी नाम देना है। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। ए पॉट में क्या रखोगे आप, प्लांट वेस्ट रखोगे, पेड़ों का जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो रखोगे, और दूसरे उसमें क्या रखोगे आप, प्लास्टिक के पॉलीथीन, खाली बॉटल, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब आप पॉट बी में रखोगे। पुट द पॉट असाइड, अब उन पॉट को साइड में रख दोगे। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक, अब उनको आप क्या करेंगे, 3 से 4 हफ्ते बाद देखेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेक्ट ऑफ टू पॉट्स, क्या आपको इन दो पॉट्स में कोई डिफरेंस दिखाई दिया, इफ़ सो अगर हाँ, वॉट इज़ द डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस था। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज। आपने देखा होगा कि जो प्लांट सॉरी जो पॉट ए का जो प्लांट वेस्ट था वो क्या हो गया, डिकम्पोज, ख़त्म हो गया। हाउ दिस हैपन, अब ऐसा क्यों हुआ। द प्लांट वेस्ट हैड बिन कन्वर्टेड बाय मैन्योर इन टू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट जो वेस्ट था वो क्या हो गया, मैन्योर, खाद में बदल गया, किसके कारण, माइक्रोब्स के एक्शन के कारण। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड द प्लांट्स अगेन। इस प्रकार ये जो न्यूट्रिशन इसमें से मिलता है प्लांट में वापस से लिया जा सकता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, क्या आपने देखा है कि जो पॉट बी रहता है, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडर एनी सच चेंजेस। क्या हुआ, अब इसमें ब्रोकन टॉय और पार्ट जो रहता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इन अ मैन्योर, माइक्रोब्स उसमें वर्क नहीं करते और क्या करते हैं, मैन्योर में बदल जाते हैं। सॉरी, ये जो माइक्रोब्स है उस पर वर्क नहीं करते और मैन्योर नहीं बनाते। यू ऑफन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फार्म, डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डिकेइंग एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ये क्या रहता है, मरे हुए जानवर या जो पेड़ पौधे रहते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आप देखेंगे कि ये कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, हट जाते हैं। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into a simple substance. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो microorganism क्या करते हैं, ये मरे और सड़े हुए जो जानवर रहते हैं, सड़े हुए जो जानवर रहते हैं, उनको क्या कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। दिस सब्सटेंस आर यूज अगेन बाय अदर प्लांट एंड एनिमल, ये सब्सटेंस फिर से किसके लिए यूज़ किया जाता है, दूसरे प्लांट और एनिमल के लिए। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस, स्मेली सब्सटेंस को क्या करते, इससे एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जहरीले
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह से क्या है, खतरनाक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स में डिसीजेस मतलब बीमारियाँ फैलाते हैं। सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन्स। ऐसे जो बीमारियाँ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पैथोजन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाना खराब करते हैं, क्लॉथ खराब करते हैं और लेदर भी खराब करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब हम उनकी और मोर जो हार्मफुल एक्टिविटी है उसके बारे में पढ़ते हैं। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। अब ह्यूमन बींग में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में आते हैं हवा से, जो कि जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पानी जो हम पीते हैं उससे और खाना जो हम खाते हैं उससे। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल। ये क्या रहते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन से और एनिमल से। माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं, मतलब बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और फिजिकल कोई कॉन्टेक्ट के द्वारा। तो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। कुछ एग्जाम्पल इन डिसीजेस के कैसे हैं, क्लोरिया है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस क्या है इसके एग्जाम्पल है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस स्प्रेड इन द एयर। यदि कोई व्यक्ति को सर्दी या खांसी हो रही तो उसके मुंह से जो निकालने वाले जो ड्रॉपलेट है उससे क्या होगा, हवा में हजारों प्रकार के क्या फैल जाएंगे, वायरस फैल जाएंगे। द वायरस में एंटायर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉजेस इन्फेक्शन। ये वायरस क्या करते हैं, सांस लेते टाइम एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। देन हाउ डू प्रिवेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब आप बताओ कि आप किस प्रकार ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस फैल रही है इससे बचेंगे। वी शुड कीप हैंडकरचीफ ऑन दी नोज माउथ वाइल स्नीजिंग। हमको हमारी नाक के ऊपर क्या रखना चाहिए, रुमाल रख के रखना चाहिए जब भी हमें छींक या खांसी आए। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और बीमार व्यक्ति से हमेशा क्या करना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी के आगे कंटिन्यू समझाएंगे। अगर ये चैप्टर या इसका पहले का चैप्टर आपका किसी भी बच्चे का छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको पूरा समझ सकते हैं।